पानी दो तो बोलते, पानी दो तो ये जो अभी आपने शोर शराबा सुना, जो एक आक्रोश देखा, उस आक्रोश के पीछे का सच ये है कि हालांकि अभी इन दिनों दो दिनों से क्षेत्र में बारिश हो रही है, मगर धरातल पर अभी भी पानी की लड़ाई जारी है। जी हाँ, ये सारे विजुअल्स केलवा ग्राम पंचायत के हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि रेगल मोहल्ले में पानी की बड़ी समस्या चल रही है। केलवा के विजुअल्स हमने आपने पहले भी बताए थे आपको, जब काफ़ी आक्रोशित महिलाएँ ग्राम पंचायत पहुँच गई थी। अब आज एक बार पुनः रेगर मोहल्ले से ये दृश्य आ रहे हैं, जिसमें कि लोग बड़ी नाराज़ लग रहे हैं, गुस्से में लग रहे हैं और बता रहे हैं कि पानी जैसी मूलभूत जो सुविधा है उसके लिए भी उनको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तमाम अपने काम छोड़कर वो दस आठ दिन बाद जब भी पानी आता है तो उन लाइनों में लगना पड़ रहा है। पानी के आने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो इसको लेकर बड़े परेशान हो रहे हैं। हालांकि हमने वहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की कि ये पूरी समस्या के पीछे बताया जा रहा है। जलदाय विभाग के अधिकारी भी बताया जा रहा है मौके पहुंचे, तहसीलदार मौके पहुंचे। सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि आखिर वो लोग कह क्या रहे हैं। रेगर मोहल्ले में बहुत कमी है, मंदिर दोबारो पानी नहीं है, फिर से पादरी बाग में छतरी चौक में पानी लाना पड़े, मंदिर महाराज आज एक महीनो भी हो मंदिर नहीं भी नहीं हापड़ा हो, पानी भी नहीं है और महाराज ने पटाए तो कोई वो खाली नामे वाल खोल दिन पाछो बंद करे। रेगर मोहल्ले में पानी की कमी है, पानी दो तो पानी दो तो देखा आपने, गर्मी की आहट के साथ ही पानी की ये परेशानी लोगों को आहत कर रही है, और आहत से राहत मानने के लिए आज ये सभी लोग बड़े आक्रोशित थे और कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उनको राहत मिले, पानी की ये लड़ाई और ना लड़नी पड़े, पानी के ये खाली बर्तन इनको और इस तरह से ना रखने पड़े कि लगे कि कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है इन बर्तनों का पानी के अभाव में। और सभी जिम्मेदारों की भी ये जिम्मेदारी है कि इनको सुचारू रूप से पानी मिले। बताया जा रहा है कि अधिकारी मौके पर पहुँचे थे और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द आपकी पानी की सप्लाई सुचारू रूप से कर दी जाएगी। ये पूरा का पूरा प्रकरण आज केलवा में हुआ और हमने कोशिश की है कि इन खबरों को आप तक लेकर आए, ताकि आप धरातल से जुड़ी इन समस्याओं को जान सके, समझ सके और कहीं ना कहीं इनके समाधान भी खोजे जा सके। अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास ऐसी कोई समस्याएं हैं वो हम तक जरूर भेजें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ बन सके। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।